हेलो फैंस, करता हूँ चना स्पोर्ट एंड क्रिकेट में। इस वक्त मैं आपको क्रिकेट बड़ी खबर करता हूँ। क्रिकेट सबसे पहले अगर आपने चना फाइव ने क्या चना फाइव थी पहले प्रेस कीजिए ताकि वो मिल सके। पहले बड़ी खबर कवर करने के लिए तैयारी कुलदीप यादव के हवाले से की बड़ी खबर। कुलदीप यादव के मुताबिक जो श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में जिस तरह की गेंदबाजी कुलदीप यादव ने की उनके मुताबिक सब कुछ क्रेडिट वो राहुल द्रविड़ को देना चाहते हैं। उनके मुताबिक ज़बरदस्त कम बैक श्रीलंका के खिलाफ दो विकेट लेकर उनने जिस तरह की गेंदबाजी की वो सब कुछ क्रेडिट द्रविड़ को देना चाहिए। उनके मुताबिक द्रविड़ जिस तरह की कोचिंग देते हैं ये बहुत ही बेहतरीन एक कोच के तौर पर ज़बरदस्त कोच है और उनके मुताबिक आने वाले समय में जो 5 मैच और बाकी है उसमें भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करूँगा और आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त इंडियन टीम में फिर से वापसी करूँगा। उनके मुताबिक कुलदीप यादव के मुताबिक राहुल द्रविड़ ही सब कुछ यानी क्रेडिट वो राहुल द्रविड़ को देते हैं, कहना है कुलदीप यादव का। और दूसरी बड़ी खबर को कर अपने कल क्या ईशांत किशन के हवाले से की बड़ी खबर। ईशांत किशन ने पहले वनडे मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी की बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी उनने की और उनके मुताबिक वो यानी उनके मुताबिक वो ड्रेसिंग रूम में ही बहुत ही कोशिश कर रहे थे कि सभी खिलाड़ियों से वो कह रहे थे कि वो जब मैदान पर उतरेंगे तो वो पहली गेंद पर छक्का मारेंगे। उनके मुताबिक वो पहले यानी उनके मुताबिक वो ड्रेसिंग रूम से ही मन बना के आए थे कि वो पहली गेंद पर ज़रूर छक्का मारेंगे और आखिरकार उन्हें पहली गेंद पर छक्का मारा और ईशांत किशन ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी पहले वनडे मैच में की, सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर का होकर खबर निकल के आ रही है, अगर बात की जाए तो फिल सिमिन के हवाले से खबर निकल के आ रही है। वेस्ट इंडीज़ के हेड कोच फिल सिमिन के मुताबिक जो 3 वनडे मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाएगी उसमें अगर 220 से माफ़ कीजिएगा 320 से 330 तक टारगेट हम बनाते हैं तो हर मैच में इससे ज़्यादा अगर टारगेट भी लग सकता है तो हम इस यानी इस सीरीज़ में जीतेंगे। उनके मुताबिक अगर टॉप ऑर्डर अच्छी बल्लेबाजी करता है तो हम यानी आने वाले मिडिल ऑर्डर पर भी कम प्रेशर रहेगा और ज़बरदस्त सभी खिलाड़ी बल्लेबाजी उसके बाद करेंगे, लेकिन 320 से 330 तक हम अगर बनाते हैं तो हम वनडे सीरीज में जीत सकते हैं, कहना है फिल सिमिन्स का। और चौथी बड़ी खबर का करके निकल के आ रही है कुरेने रत्ने के हवाले से की बड़ी खबर। कुरेने रत्ने के मुताबिक इंडियन टीम टॉप टीम है, उनके मुताबिक इस वक्त की बात की जाए तो इंडियन टीम सब टीमों से आगे है। उनके मुताबिक हाँ उनको पहले ही पता था कि इंडियन टीम उनको पहले से ही अटैक करेगी। उनके मुताबिक जिस तरह की बल्लेबाजी इंडियन टीम के पास है तो उनको पहले ही पता था कि इसी तरह की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, इसलिए हमने कोशिश की थी कि किसी भी हाल में इस मैच में जीतने की कोशिश करें, लेकिन उनको पता था कि वो पहले से ही यानी इंडियन टीम बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, वो पहले से अटैक करना शुरू कर देगी, यह ना है कुरेने रत्ने का।